खबर बाराबंकी जनपद से, जहां बाराबंकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। साइबर सेल व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन अभियुक्तों के कब्जे से 22 लाख रुपए नगद, सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन व एक कार बरामद की। सरकारी योजनाओं का लालच देकर ये लोग सीधे साधे लोगों को ठगते थे। घटना का खुलासा करते हुए बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। बता दूं कि ये जनपद बाराबंकी पुलिस ने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है, जो मेनली भोले वाले लोगों के बैंक अकाउंट्स खोल के उन अकाउंट्स में साइबर फ्रॉड के तहत जो वो पैसा कमाते हैं उसको ट्रांसफर करते थे, और उन लोगों को भी अकाउंट्स खुलवाने के नाम पे कुछ कमीशन देने का ये प्रलोभन देते थे। इस गैंग में जो हमने अब तक लोगों को पकड़ा है, जिनकी संख्या 6 है, मेनली इसमें लक्की वर्मा, चुन्नू कुमार, रविंद्र कुमार, अमित कुमार, संदीप कुमार और खुशना उर्फ खुशनुमा, ये 6 लोग पकड़े गए हैं जो इस गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोगों से सिम कार्ड और दुकानदारों से फेक सिम कार्ड ये लोग एक्वायर करते हैं। उन सिम कार्ड्स को ये उन बैंक अकाउंट को की इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों से पासबुक भी अपने पास रख लेते हैं। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि उनके अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और सारा पैसा जो ये लॉटरी जीतने के और इस तरह के प्रलोभन देके जो ये लोग ठगी करते हैं, लोगों को कॉल करके उनके पैसे को उनके अकाउंट से निकालते हैं, उस पैसे को इन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी अपने गैंग के अन्य मेंबर्स के माध्यम से एटीएम और योनो ऐप और अन्य साधनों से उस पैसे को ये लोग तत्काल निकाल देते हैं, और उस निकले हुए कैश को अपने सरगना के पास पहुंचा देते हैं। इस गैंग में इनके दर्जनों लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक पुलिस ने केवल इसमें 6 लोग पकड़ा है। इसमें गैंग का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम शाहिद है, वो पुलिस अभी गिरफ्त से दूर है, वो मुख्यतः बिहार का रहने वाला है। इसमें पुलिस ने जो रिकवरी की मैं बात करूं, तो अब तक इसमें पुलिस ने 22 लाख रुपए कैश इनके पास से बरामद किए हैं सभी से। 9 इन्होंने एटीएम कार्ड इनसे बरामद हुए हैं, 28 पासबुक बरामद हुई है, 17 मोबाइल फोन, 68 सिम कार्ड और 1 स्विफ्ट डिजायर बरामद की है। तो ये एक बहुत बड़ी रिकवरी है, कैश के हिसाब से भी और सिम कार्ड और मोबाइल के हिसाब से भी। पुलिस ने इसमें जो 420/67/68 की जो धाराएं हैं उनको इसमें तरमीम करते हुए मुकदमे को पुलिस कस्टडी इनकी रिमांड ली जाएगी, और हम फर्दर भी न्यायालय से प्रेयर करेंगे कि इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड हो, जिसमें कि इतना सारा डेटा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो छिपी हो सकती है, इनको इनसे पूछा जाए, और इनके गैंग्स के अन्य मेंबर्स और इनके कहां इनके कनेक्शन है उन सबको भी हम लोग एस्टेब्लिश करें, उनके बारे में जानकारी करें।